एवरीवन, आज हम आपको जो टॉपिक बताने वाले हैं आपको आज मजा आने वाला, आप एंजॉय करेंगे और इजीली आपको याद हो जाए। देखिए, जब कंसेप्चुअल लेवल पर हम वर्क करते हैं, जब सीखने की कोशिश करते हैं किसी टॉपिक को, सब्जेक्ट को, तो लर्निंग होता है और वो हमेशा याद रहता है। देखिए, रिएक्शन है एजो कपलिंग रिएक्शन। हम जो कंसेप्ट आपको पढ़ा रहे हैं ये छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, इन्हीं पे क्वेश्चन आता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूजन खत्म होगा। देखिए, रिएक्शन है एजो कपलिंग रिएक्शन। हम लोगों ने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पढ़ा है, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या हैलाइड कोई भी ले सकते हैं, ये फिनॉल के साथ और एनिलीन के साथ कपलिंग रिएक्शन शो करता है और कलर कंपाउंड ये बनाता है। तो कई बार कंपाउंड का कलर पूछा जाता है या जो प्रोडक्ट है उसका आईयूपीएसी या कॉमन नेम पूछ लिया जाता है। तो देखिए, फिनॉल के साथ ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, फिनॉल के साथ जब रिएक्शन होगी तो फिनॉल के पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन और इसका क्लोरीन एचसीएल इलिमिनेट हो जाएगा, बनेगा ये पैरा पोजीशन से दोनों कंपाउंड जुड़ जाएंगे, यानी कपलिंग हो जाएगा। इस टाइप से ये एजो ग्रुप है, इसके पैरा पोजीशन पर ओ एच ग्रुप है, तो इसका नाम होगा पैरा हाइड्रो ऑक्सी एजो बेंजीन। क्या नाम होगा? पैरा हाइड्रो ऑक्सी एजो बेंजीन। और इसका कलर होता है ऑरेंज कलर का एजो डाई है। तो कई बार कलर पूछा जाता है, कई बार उसका नाम पूछ लेते हैं। दूसरा, एनिलीन के साथ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जब एनिलीन के साथ रिएक्ट करेगा, फिर से एनिलीन का पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन और इसका क्लोरीन एचसीएल इलिमिनेट हो जाएगा, पैरा पोजीशन से दोनों कंपाउंड आपस में जुड़ जाएंगे। यहां पैरा पोजीशन पे एजो ग्रुप के पैरा पे अमीन है, तो इसका नाम हो जाएगा पैरा अमीनो एजो बेंजीन, पैरा अमीनो एजो बेंजीन। और इसका भी स्पेसिफिक कलर होता है, इसका कलर होता है येलो, येलो कलर की एजोडाई। अब इंपॉर्टेंट क्या है इन दोनों में? मीडियम इंपॉर्टेंट है। देखिए, फिनॉल एसिडिक कंपाउंड है या बेसिक कंपाउंड है? तो फिनॉल तो एसिड होता है, वीक एसिड, तो ये एसिडिक कंपाउंड है, इसलिए ये रिएक्शन होती है बेसिक मीडियम। OH नेगेटिव लिखा है, मतलब बेसिक मीडियम में वो कोई भी अल्कली बेसिक मीडियम प्रोवाइड कर सकता है। पीएच होती है बिटवीन 9 to 10, तो बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन होती है। और इधर देखिए, एजो कपलिंग रिएक्शन है एनिलीन के साथ, एनिलीन बेसिक कंपाउंड है। अब एनिलीन बेसिक कंपाउंड है तो ये रिएक्शन होती है एसिडिक मीडियम, यहां पीएच होगी 4 to 5। समझ में आया? तो फिनॉल के साथ बेसिक मीडियम, क्योंकि फिनॉल एसिडिक है, और एनिलीन के साथ एसिडिक मीडियम। फिनॉल जो एनिलीन है वो बेसिक कंपाउंड है, एसिडिक मीडियम में होता है। अब आपसे क्या पूछा जाता है, देखिए, ये डाइजोटाइजेशन जो हो रहा है, जो एजो कपलिंग रिएक्शन है डाइजोनियम सॉल्ट के साथ, ये हो रही है फिनॉल या एनिलीन के साथ। अब इन दोनों कंपाउंड को देखिए, यहां पर फिनॉल में पैरा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, इसमें एनिलीन में पैरा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, मतलब पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड है। तो अब क्या करेंगे? ये हो रहा था पैरा पोजीशन पर, लेकिन पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड है, तो क्या कपलिंग रिएक्शन नहीं होगी? एजो कपलिंग होगा, लेकिन अब वो होगा ऑर्थो पोजीशन। तो यहां पर OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये दोनों ऑर्थो पोजीशन है, किसी भी ऑर्थो पोजीशन पर आप ये एजो कपलिंग दिखा सकते हैं। ये इसके ऑर्थो पोजीशन पर हम ले रहे हैं, ऑर्थो का हाइड्रोजन इसका सीएल एचसीएल इलिमिनेट हो जाएगा और ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। इसी टाइप से एनिलीन में देखिए,
इसमें भी पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड है, तो इसके भी दोनों ऑर्थो पोजीशन का कोई भी एक हाइड्रोजन आप ले लीजिए, इसका क्लोरीन HCl इलिमिनेट होगा। ये अमीन के ऑर्थो पोजीशन पर एजो कपलिंग रिएक्शन होगा। समझ में आया सभी को? आसान है ना, मजेदार भी है। अब देखिए यहां पर एक कंपाउंड हमने लिखा हुआ, इसमें बेंजीन पर OH भी और अमीन भी, और दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर। अब आप बताइए कि इसकी यदि अपन कपलिंग रिएक्शन करेंगे तो फिर कपलिंग किस पोजीशन पर? वहां पर तो OH के रिस्पेक्ट में पैरा ब्लॉक थी, यहां अमीन के रिस्पेक्ट में पैरा ब्लॉक। अब यहां तो पैरा पर, पैरा यहां भी ब्लॉक है, लेकिन पैरा पर या तो अमीन है या अमीन के पैरा पर OH, तो इसमें कैसे करेंगे? है ना मजेदार क्वेश्चन। तो अब आपको ध्यान रखना है मीडियम, देखिए यहां पर जो अभी आपने पढ़ा है बस वही आप वो भूल जाते हैं एक बार पढ़ने के बाद, और वही क्वेश्चन एप्लीकेशन फॉर्म में एग्जाम में आ जाता है। तो फिनॉल में जब अपन ने एजो कपलिंग किया था तो बेसिक मीडियम में किया था, तो अब देखिए यदि आप पैरा तो ब्लॉक्ड है और फिनॉल के रिस्पेक्ट में यदि आप एजो कपलिंग चाहते हैं तो आपको मीडियम रखना होगा बेसिक। यदि आप बेसिक मीडियम रखते हैं यानी पीएच बिटवीन 9 to 10, तो OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर ये कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी। ये OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर, इसके ऑर्थो का हाइड्रोजन, इसका सीएल HCl इल्यूमिनेट होगा, OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर ये कपलिंग होगी। और यदि आपको अमीन के रिस्पेक्ट में कपलिंग करना है तो अभी अपन ने पढ़ा है एनिलीन के साथ एसिडिक मीडियम में एजो कपलिंग होता है, तो यदि आप एसिडिक मीडियम रखेंगे, यहाँ पर हम रख रहे हैं एसिडिक मीडियम मतलब पीएच रख रहे हैं बिटवीन 4 to 5, तो अब अमीन के रिस्पेक्ट में जो ऑर्थो पोजीशन है वहां पर कपलिंग होता है। ये अमीन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन, यहां पर कपलिंग रिप्रेजेंट कर दीजिए, इसके ऑर्थो का एच और ये सीएल HCl इलिमिनेट होगा। तो समझ में आया? ये मजेदार बिल्कुल इजी है ना। देखिए बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड फिनॉल के साथ और एनिलीन के साथ कपलिंग रिएक्शन शो करते हैं। फिनॉल है तो मीडियम क्या होगा? बेसिक। पैरा पोजीशन पर ये कपलिंग होगा, यहां ऑरेंज कलर का एजो डाई बनता है, और एनिलीन के साथ कपलिंग होगा एसिडिक मीडियम में, यहां पर भी पैरा पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, पैरा पोजीशन पर रिएक्शन है, और जो कंपाउंड बनेगा वो येलो कलर का एजो डाई। फिर इसका एप्लीकेशन पार्ट आपको बताया कि यदि पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड है तो ऑर्थो पोजीशन पर भी हो सकता है, ठीक है। और यदि एक स्पेशल केस हम लोगों ने लिया कि बेंजीन में OH और अमीन दोनों पैरा पोजीशन पर है तो क्या होगा? तो मीडियम पे डिपेंड करेगी रिएक्शन। यदि आप बेसिक मीडियम रखते हैं तो OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पर एजो कपलिंग होगा, और यदि एसिडिक मीडियम रखते हैं तो अमीन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन कहीं भी ले सकते हैं इधर या इधर, ये एजो कपलिंग रिएक्शन। समझ में आया है ना मजेदार? So love you all, take care.